वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर वन, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिविजन. ओके, ये हमारा जो चैप्टर नंबर वन रिविजन है, ये पीरियोडिक टेस्ट वन का चैप्टर है और ये पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. क्लियर एवरीवन? मैंने लास्ट टाइम आपको जो सिलेबस बनवाया था आपकी कॉपी में, आप अपनी सिलेबस को ओपन करके देखिए. जो पीरियोडिक टेस्ट वन का पेन पेपर टेस्ट है बेटा, चैप्टर वन आपका रिविजन का चैप्टर है. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर जो रिविजन दिया हुआ है, इसमें आपको हम आपको रिवाइज कराएंगे कि लास्ट क्लास में आपने क्या सारी चीजें पढ़ी थी. क्लियर एवरीवन? तो जो भी कुछ हम आपको पढ़ाएंगे वो आप पहले बुक में फिलअप करोगे, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे अपनी कॉपी में लिखोगे. हम जो भी कुछ बोर्ड पे लिखेंगे आप उसे कॉपी नहीं करोगे. जब हम आपको नोट्स सेंड करेंगे उस नोट्स से आपको क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है. क्लियर एवरीवन? और जो होमवर्क देंगे उसे आपको अपनी होमवर्क रजिस्टर में करना है. तो कोई भी बच्चा बोर्ड से राइट डाउन नहीं करेगा, जो नोट्स देंगे बस आप उस नोट्स से राइट डाउन करोगे. क्लियर एवरीवन? तो जो भी कुछ हम यहाँ पर समझाएंगे आपको, जो भी कुछ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसे हम क्या कराएंगे, रिवाइज कराएंगे. क्लियर एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट. हरी अप, ओपन योर पेज नंबर 7. आप सभी लोग अपने बुक का पेज नंबर 7 ओपन करिए. आपके पास ये बुक है ना, मैथ्स की कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स, आप ये बुक परचेज किए होंगे आई होप. इसके बाद आप ओपन करिए चैप्टर नंबर 1 एंड द पेज नंबर इज 7. पेज नंबर 7 पे बेटा दिया हुआ है रिविजन नंबर्स 1 to 100, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, मिसिंग नंबर्स दिया है, तो इसे आपको 1 से लेके 100 तक क्या करना है, अपनी बुक में ही फिलअप करना है लाइक दिस. ओके, देखिए 1 से लेके 100 तक. क्लियर? इसे आपको अपनी बुक में ही करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड. उसके बाद आपको क्या करना है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है. फॉरवर्ड भी करना है और आपको बैकवर्ड भी करना है. तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज क्या करनी, अपनी बुक्स में ही फिलअप करना है. क्लियर एवरीवन? इसे आपको कॉपी में भी नहीं करना, मैंने कॉपी में कुछ नहीं करवाया, नोट्स में नहीं दिया, इसे आप सिर्फ अपने बुक में करोगे. क्लियर एवरीवन? नाउ ओपन योर पेज नंबर 8. अब आप अपने पेज नंबर 8 को ओपन करिए. नंबर्स एंड नंबर नेम्स, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नंबर्स एंड नंबर नेम्स. नंबर्स एंड नंबर नेम्स. क्लियर? ओपन योर पेज नंबर 8. इसे भी आप अभी बुक में करोगे, कोई भी चीज आप कॉपी में नहीं करोगे. हम एक एक सम्स आपको टू सम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसे बस देखोगे और अपने बुक को फिलअप करोगे. जो भी नोट्स देंगे उसे आप अपने कॉपी में करोगे. राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स. यहाँ पर आपको नंबर नेम्स गिवन है, उस नंबर नेम्स के आपको क्या लिखने हैं, नंबर्स लिखना है. तो सबसे पहले जो दिया है वो क्या है, 16. क्या गिवन है बेटा, 16. तो यहाँ पे आप 16 कैसे लिखोगे, 1 6 16 1 6 16. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 63. आप कैसे लिखोगे 63, लाइक दिस. ओके, 63. तो ये नंबर्स नेम आपको क्या करना है, गिवन है, और आपको क्या लिखने है, सिर्फ नंबर्स लिखना है. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, अब देखिए अब आपको क्या करना है, सेकेंड एक्सरसाइज में नंबर्स गिवन है और आपको क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है. क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है. अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है 11. क्या दिया, 11. तो आप 11 कैसे लिखोगे, ELEVEN, 11. नंबर टू क्या करना है आपको, 35. क्या गिवन है नंबर्स, 35. तो आप कैसे लिखोगे, 30 की स्पेलिंग आती है, THIRTY, 35, FIVE 5. क्लियर? तो आप ऐसे लिखोगे नंबर्स एंड नंबर नेम. ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको क्या करनी है, पूरी आपको अपने बुक्स में ही सिर्फ करना है. क्लियर एवरीवन? अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बिफोर आफ्टर बिटवीन. क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर बिटवीन. बिफोर मीन्स क्या होता है बेटा, पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड बिटवीन मीन्स बीच में. क्लियर? यहां पर आप देखिए
before, after, and between. Clear everyone? Before, after, between. अब यहाँ पर दिया है 50 is just before 60. तो just before क्या आएगा बेटा? 59. Okay? Number 2. 91 is just after 92. Okay? 92. तो ये exercise भी आपको क्या करनी? अपनी books में ही fill up करना है. Okay? Now next question. The number which comes between 81 and 83. 81 और 83 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 82. नंबर थर्ड 82. तो ये जो पेज नंबर 9 पर ये एक्सरसाइज गिवन है, कौन से पेज पे गिवन है? पेज 9. ओके, पेज 9 पर गिवन है. तो ये पूरी एक्सरसाइज भी आपको क्या करनी? अपनी बुक्स में ही फिलअप करना है. क्लियर एवरीवन? तो बिफोर, आफ्टर, बिटवीन. बिफोर मैंने आपको बता दिया, मतलब किसी भी नंबर के पहले, समझ में आया? फिर उसके बाद After means बाद में. Suppose that यहाँ 91 दिया है तो यह क्या होगा? 92. और यहाँ 60 दिया है तो उससे पहले क्या आएगा? 59. Between मतलब 81-83 दिया है तो ये दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा? 82 आएगा. Clear everyone? तो ये एक्सरसाइज भी आपको क्या करनी? अपनी कॉपी में करना है. Now come to the next page, page number 10. Comparison of numbers. नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्या की तुलना करना. जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम किसको कंपेयर करते हैं? फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं. अब आप देखिए, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हर एक रो में स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. क्लियर? यहाँ पर दिया है 5, 9, 26, 41, 2. अब आप देखो यहाँ पे 1 digit है, 1 digit है, 2 digit, 2 digit, 1 digit. तो सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे? 1 digit को कंपेयर करेंगे, 2 digit को हम देखेंगे नहीं. 5, 9, 2. अब आप देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर 2. तो हम किसको सर्कल करेंगे? 2 को करेंगे. क्लियर एवरीवन? तो वैसे ही अब आपका नेक्स्ट है, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो. ये जो ग्रीन वाली रो दिख रही है, अब हमें किसको इन सर्कल करना है? ग्रेटेस्ट नंबर को. सपोज दैट यहाँ पे दिया है 92, 33, 1, 45, 29. क्लियर? अब आप देखें यहाँ पे 2 digit, 2 digit, 1 digit, 2 digit, 2 digit. तो जब सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 1 digit का तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है 2 digit का होगा. तो हम 2 digit में देखेंगे 9, 3. जब हम 2 digit कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले 2 digit का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं. 9, 3, 4, 2. अब हम यहाँ पे लिख लिए 9, 3, 4, 2. अब आप देखो कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 वाला है. तो हम कौन सा मेरा नंबर होगा? 92. ठीक है? अगर सपोज दैट यहाँ पे टू नंबर्स फर्स्ट डिजिट आपके मैच कर जाते हैं, हम आपको यहाँ पे फिर से बता रहे हैं 83, 65, 84, 72. अब आप देखिए यहाँ पे 83, 65, 84, 72. 6 और 7 तो पहले से ही हमारे छोटे हैं. अब आप 8 देखो कि हमारा 8 भी यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है. तो हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, फिर इनकी सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे 3, 4. तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी क्या है? 84. क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया है नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं? ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बस हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं. क्लियर? तो ये भी आपको क्या करना है? ये दोनों एक्सरसाइज को भी आपको बुक में ही फिलअप करना है. Now come to the next exercise, ascending and descending order. Next exercise क्या है बेटा? Ascending and descending order. Ascending order means क्या होता है? छोटे से बड़ा.
किसी भी नंबर को हम कैसे अरेंज करते हैं, छोटे से बड़ा। जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना, डायरेक्ट ऊपर तो पहुंच ही जाते हो, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना तो छोटे से बड़ा। तो असेंडिंग भी क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, ये आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर आपको नंबर गिवन है और इसे आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वन हम आपको बता रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। 63, 81, 29, 13, 75, क्लियर। तो सबसे पहले हम नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कौन से डिजिट कंपेयर करेंगे, फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट कोई भी मैच नहीं करेगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्लियर। 6, 8, 2, 1, 7, क्लियर। हमारी पूरी फर्स्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग नंबर्स है। तो सबसे छोटा इसमें से क्या है, 6, 8, 2, 1, 7, तो सबसे छोटा क्या है, 1, तो ऑब्वियसली बात ये क्या हो जाएगा, 13, ओके। अब हम 13 हटा देंगे, अब हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, 6, 8, 2, 7, नेक्स्ट क्या है, 2, तो क्या होगा, 29, नेक्स्ट 6, 8, 7, फिर क्या है, 6 वाला, तो क्या हो जाएगा, 63, नेक्स्ट 8 एंड 7, तो सबसे छोटा क्या है, 7 वाला है, तो 75, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 81। हम नंबर्स को ऐसे ही अरेंज करेंगे, क्लियर एवरीवन। अगर कोई भी फर्स्ट डिजिट, जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट डिजिट आपकी मैच करती है तो आप कौन से डिजिट को कंपेयर करोगे, उसकी सेकेंड डिजिट को कंपेयर करोगे, क्लियर एवरीवन। नाउ अब हम आपको बताएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बताएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में 28, 81, 57, 95, 70 फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे नंबर को हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, बड़े की तरफ छोटे से में जाते हैं, क्लियर। तो 28, 5, 9, 7, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, तो यहाँ पे क्या होगा, 95, नेक्स्ट 2, 8, 5, 7, 8, 81, नेक्स्ट 2, 5, 7, 70, नेक्स्ट 2, 5, 57, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 28। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 20, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 95। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज भी क्या करना है, अपनी बुक में ही करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11, आप नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 11। नेक्स्ट जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म, क्या पढ़ेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में आपको नंबर्स गिवन है, टू डिजिट नंबर गिवन है, उसे हम क्या करेंगे, एक्सपांड करके लिखेंगे, क्लियर एवरीवन। अब आप देखिए, राइट द नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। जब हमारी वन डिजिट होती है तो हम उसे वंस कहते हो, टू डिजिट होती है तो वंस टेंस कहते हो, थ्री डिजिट होती है तो क्या बोलते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। तो हम लोग नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में थ्री डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग टू डिजिट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टू डिजिट की बात करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 67, अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। फर्स्ट डिजिट जो हमारी होती है वो वंस होती है, फिर सेकेंड डिजिट जो हमारी होती है वो क्या होती है, टेंस होती है, क्लियर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 67, यहाँ पे 6 है तो हम क्या लिखेंगे, 6, 6 के बाद कितने नंबर है, 1, 0 लगाएंगे, क्लियर। तो 60 भी आ रहा है, 60, फिर 7 क्या लिखेंगे, प्लस का लगा के 7 लिखेंगे, क्लियर। 7 में इसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं है तो सिर्फ 7 लिखेंगे, क्लियर एवरीवन। हम एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 95, फिर कैसे करेंगे, 95 में 9 मतलब 90, 90, 90, 9 के बाद एक 5 है तो एक 0 लगेगा, 5, क्लियर। इसे हमने क्या किया है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, 6 टेंस, क्या है, 6 टेंस 7 मंथ्स, 6 टेंस 7 मंथ्स, 9 टेंस प्लस 5 मंथ्स, ओके। टेंस में 1 0 लगता है
और वंस में कोई भी जीरो नहीं लगेगा, क्लियर। और जब 100 की बात आएगी, जब हम लोग थ्री डिजिट नंबर पढ़ेंगे तो उसमें कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, फिर 1 जीरो लगेगा, फिर लास्ट वाला नंबर ऐसे ही रहेगा वंस वाला एज इट इज, क्लियर एवरीवन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 tens plus 7 ones, 9 tens plus 5 ones, क्लियर एवरीवन। तो आपको ये एक्सरसाइज भी क्या करनी, अपनी बुक में करना है, पेज नंबर 11 पे गिवन। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसी के शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। अब यहां पर शॉर्ट फॉर्म में क्या है, गिवन है 5 tens plus 3 ones, 5 tens plus 3 ones is equal to 50 plus 3। आपको ऐसे गिवन होगा, आपको इसका क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म। हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा था तो आपको उसको एक्सपांडेड फॉर्म में करना था, और हमने यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है तो उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो 53 वेरी इजी, 5 3 53 लाइक दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट 1 tens plus 7 months, तो ये कितना हो जाएगा, 10 plus 7, तो क्या लिखेंगे हम, 1 tens और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 17, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो 5 tens plus 3 months, 50 plus 3 53। यहां पर आपको हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया था तो आपने उसको क्या किया था, एक्सपांडेड फॉर्म में किया था, और हमने यहाँ पे आपको एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन है तो आपको उसे क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्लियर एवरीवन। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको बताई है उसे आपको क्या करना है, अपनी बुक्स में ही करना है, और हम आपको इसके साथ नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे उसे आपको कॉपी में करना है, नोट्स से देख के कॉपी में करना है। और जितनी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया है, उसे आपको अपनी बुक्स भी फिलअप करना है, और बुक्स की फोटो क्लिक करके आपको सेंड करना है अपने ग्रुप में, क्लियर एवरीवन, अपने नेम के साथ। अगर जो भी बच्चा नहीं सेंड करेगा उसे 0 marks मिलेगा। तो हर एक स्टूडेंट्स को होमवर्क सेंड करना कंपलसरी है, तो हर एक बच्चा अपना होमवर्क सेंड करेगा टाइम पे, ओके, विद नेम। तो मैंने पेज नंबर 7, 8, 9, 10 and 11, हम लोग ने ये सारे पेजेस 7 से लेके 11 तक के पेजेस को क्या किया, डिस्कस किया है। बाकी का जो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई, एक्सप्लेन किया है, उसे सारे आपको क्या करना है, बुक में करना है। हम फिर से बता रहे हैं, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सब बुक में करना है, और जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसे आपको कॉपी में करना है, क्लियर एवरीवन, ओके।